Oh, the experience has been fantastic. It's been a very, very shoulder-to-shoulder kind of an experience, you know. The dalchini is literally being created by equal effort from the side of Dreamyata Entertainment and Dangal TV. So it's been great, and I'm very happy to see the celebration of all the shows on the channel today. So this was the first song from our label. It's very, very big and very, we're very attached to it. It will always be, you know, the firsts are always very, very special. So, जो हो रहा है वेहानिया के साथ ना, मैं सच कहूँ तो मैंने और सरगुन ने कभी सोचा नहीं था ये, that it'll blow up and it'll be appreciated the way it is, you know. I mean, as of today we are at 4.5 million reels on Instagram, which is not organically, you can't think that, you know, the first song from a label will do like this. उसमें ऊपर वाले का कुछ मेहर है, God's grace that it's doing well. We are just thankful. That's it. बहुत रिकलेक्ट हो रहा है. हम लोगों को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला. जनता का अवार्ड मिला है, लेकिन कभी भी वो जजेज का अवार्ड नहीं मिला. मगर उसका वैल्यू है और कभी भी आ सकते हैं. इस 2024 में आप हमारी एक फिल्म देखोगे ज़रूर. मैं बहुत खुश हूँ. लापता लेडीज़ के लिए मुझे इतना प्यार. नेटफ्लिक्स का मामला लीगल है, हिट. पूरे भारत को दिल से धन्यवाद. मैं बहुत समय के बाद खुश हुआ कि देश ने मेरे काम को देखा ध्यान से. क्रिटिक्स ने बहुत अप्रिशिएट किया. थैंक यू. हाँ, आज पिंकी बू बने हैं और हमारी पूरी जो कास्ट है वो पूरी की पूरी पिंकी है. किसी को बताना हो, मैंने बता दिया. लेकिन मुझे सच में नहीं पता है नॉमिनेशन क्या हुआ है, किसका हुआ है. ना ही मैंने जानने की कोशिश की है. मुझे लगता है कि वो उसी मोमेंट पे आपको सरप्राइज़ मिलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. मैं और निहारिका, मतलब नमन एंड सुनैना, एक होली सेलिब्रेशन पे डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा कोरियोग्राफ किया गया है. आई होप कि हम दोनों उतना अच्छा उसको प्रेजेंट कर पाएँ. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और ये जो आउटफिट है ये दंगल वाले लोग ने ही दिया है. ये आई थिंक सो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, संजीव चंदेल, उसी से रिलेटेड जो वो पहनता है मोस्टली कुर्ता या वेस्ट कोट. सो कैरेक्टर में ही हम लोग सब आए हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया कि किस चीज़ के लिए हम लोग नॉमिनेटेड है, क्योंकि हम एक्टर्स इतने एक्साइटेड रहते हैं कि अगर कुछ भी पहले से पता होगा तो हम हर जगह फैला देते हैं. और दंगल का मेरे को लगता है कि खासियत यह है कि वो लोग थोड़ा लोकी रहते हैं. वो लोग पहले से रिवील नहीं करना चाहते, वरना वो लीक हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा. बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ अवार्ड तो हमें डेफिनेटली मिलेगा, और मिले ना मिले बट जितना ऑडियंस हमें प्यार कर रही है, सपोर्ट कर रही है, मुझे लगता है उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है एक एक्टर के लिए. सो बस मेहनत तो खैर बहुत लगी है इसमें रेडी होने के लिए. बट अबाउट द लुक, जैसे हमने डिसाइड किया था कि मन अति सुंदर इज़ गोना बी ऑल रेड, तो मैं वो कलर में हूँ. और फिर मुझे फील हो रहा था कि थोड़ा सा ऐसा रॉयली ड्रेस होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ सच अ रॉयल इवेंट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग फॉर दंगल, तो रॉयल फील हुआ, रॉयल पहन लिया. फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं देखता हूँ मैं कितने अवार्ड ले जा सकता हूँ. लुक के साथ भी खेला गया है, कैरेक्टर के साथ भी खेला गया है. इसमें बहुत सारे फील्स हैं. ऐसा एक, मैं किसी शो के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या होता है ना कि एक लड़का एक लुक या एक फेस पकड़ के, एक मूड पकड़ के चलता है, एक डार्क दाढ़ी और ऐसे बस पूरा शो ऐसे ख़त्म हो गया. ऐसा इसमें ऐसा है कि ये कैरेक्टर का अभी मूड कुछ और है. मेरे बाल देख रहे हो आप, वो हंसमुख सा है, हंसता है, बाद में वो डार्क हो जाता है कैरेक्टर. फाइट की है इसने, रोमांस किया है, लड़की को जाके नदी में से निकाल के आया है, डांस किया है फिल्मों की तरह. तो बहुत सारे इसमें मिलता जुलता बहुत सारे रस हैं जो मज़े आएंगे इसको देख के. ऐसे में किस तरह से लुक के साथ खेला गया है, काफ़ी सारे अलग अलग एक्सेसरीज देख सकती हूँ मैं. की है, मेरी नहीं है, मेरे कैरेक्टर का नाम पार्थ है. ये पार्थ के कपड़े भाई, मेरे नहीं है. ये कलर कॉम्बिनेशन है. पार्थ जब भी पार्टी करेगा या किसी इवेंट पे जाएगा तो ऐसे कपड़े पहन के जाएगा. मुझे ऐसे बताया गया था, मैंने बोला ठीक है आप बोलेंगे तो क्यों नहीं. हाँ, ये सूट वूट पहनने भी बहुत मेहनत है, इसके पीछे की एक कहानी है. और नए शो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शो.
और हम लोग की काफ़ी लोगों की मेहनत है, बहुत अच्छा शो बनाया गया है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको इसी तरह से बरकरार रखें, बनाते रहें। अच्छा, आप लोग प्लीज़ देखिए, मिलके भी हम ना मिले दंगल टीवी पे, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप लोग। दंगल फैमिली अवार्ड्स है, पहली बार है तो वी आर ऑल एक्साइटेड। देखिए आगे क्या क्या होता है, परफॉर्मेंसेज हैं, अवार्ड्स हैं, आई होप कि मज़ा। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के सपनों को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें अब व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।